हाँ जी दोस्तों, एक बार फिर तो थोड़ा स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल के उत्ते। तो अज थानूं लेके चलते हैं वाकामो वैली पार्क, जो कि डाउन टाउन तो थोड़ी जी दूरी पर है। हाँ जी दोस्तों, इस टाइम आप जा रहे हैं मूव चो दी मेन स्ट्रीट के उत्ते। इतों अपना 5 मिनट की दूरी पर डेस्टिनेशन है, तो आप चलते हैं थानू अगे लेके। तो तुम एक काम करना, मैं अगे भी अपनी वीडियोज़ के जिक्र किया है कि मूव चो के पापूलेशन बहुत ही घट है, तो तुम मेरी पूरी वीडियो चैक करनी है। थानू मेन स्ट्रीट का भी व्यू मिलेगा, आप जिते जा रहे हैं वैली का भी व्यू मिलेगा। तो तुम बंदे गिने कि थानू पापूलेशन कितनी दिखती है, तो मैं कमेंट करके जरूर दस्यो। एक गल होर, कनेडा का फ्लैग तो हैगा ही हैगा है, इत्थे हर प्रोविंस का अपना फ्लैग है जो कि उन्होंने कल्चर को रिप्रजेंट करता है। जिमें कि सस्कैचवन का आप देखते हैं, इनू दो पार्ट के डिवाइड किया गया है। अपर पार्ट है जो कि ग्रीन है, तो थले वाला पार्ट है गोल्ड। ग्रीन पार्ट है जो कि नॉर्थ फॉरैसट को रिप्रजेंट करता है, तो लोअर पार्ट जो कि गोल्ड है वह इत्थे दे साउदर्न ग्रीन फील्ड्स को रिप्रजेंट करता है। मूवचो सिटी के जिन्हें भी फेमस रेस्टोरेंट है या बैंक्स हैं वो थानू सारे इस मेन स्ट्रीट पर मिलने। जिहड़ा जिहड़ा तो इंटरस्टिड है मूवचो आन दे लई या कोई सस्क पॉली दे विच एडमिशन लेना चाहता है, तो वह गूगल पर जब मूवचो सिटी सर्च करता है तो थानू यह फेमस जीप थानू जरूर दिखेगी फोटोज दे विच। जे तुसी भी मूवचो दे विच रह रहे हो तो सैकेंड हैंड कार लेना चाहते हो, तो तुसी इस साइड जरूर विजिट कर सकते हो। इत्थे दो तीन शॉप्स ने जिथों तुसी वधिया सैकेंड हैंड कार ले सकते हो। हुण आपां गल करदे हां, जे तुसी वकामा वैली बाय वॉक जा रहे हो तां तुसी इत्थों राइट लेके शॉर्टकट ले सकते हो। जे तुसी कार दे विच हो तां आपां नूं की है थोड़ा जिहा उपर दी घूमना पएगा कार दे विच। लो जी, आप लगभग पहुँच ही चुके हैं जी वैली दे कोल। सामणों आप लेना है जी राइट टर्न, तो सीधा अपनी डेस्टिनेशन। इस टाइम असी मूवचो सिटी दे बिल्कुल बाहरली साइड आ चुके हैं। तुसी खेत देख सकते हो, तो इत्थे थोड़े जे घर भी ने जो कि बिल्कुल वैली दे नाल ही ने। तो इत्थे दे घर मैनू बहुत ही पसंद ने। एक तो इन्होंने इन्ना सोहना कलर किया हों घर के उत्ते, सब तो मतलब एक तो एक कलर है। दूजा इत्थे दे घर का जो कि स्ट्रक्चर है तो इंटीरियर है वह बहुत ही सोहना, तो बहुत ही वधिया तरीके प्लैन किया जाता है। हुण आपां गल करते हैं वकामा वैली, जो कि मूवचो रिवर है। इत्थे जो रिवर है एक मूवचो, जो कि मूवचो सिटी नाल टच करके जाती है, उसके उत्ते लोकेटिड है। हाँ जी दोस्तों, सामने तुसी देख सकते हो, आप कर चुके हैं वकामा वैली दे अंदर एंटर। तो हुण आपां कोई पार्किंग लभ के सब तो पहला करते हैं कार नूं पार्क, फिर आपां चलते हैं अंदर घूमण। एक गल होर मैं थोनों दसना चाहना, जो ये पूरा एरिया है, जो वैली है, जो पार्क इन्होंने उरे बनाया होया है, वह पूरा 500 एकड़ लैंड दे उत्ते बनाया होया है, जिथे कि तुसी आके घूम सकते हो, पिकनिक मना सकते हो, तो होर सारिया एक्टिविटीज़ कर सकते हो। तो मैं थोनों अंदर ले जा के सारा दिखावांगा। हाँ जी दोस्तों, असी पहुँच चुके हैं जी अपनी डेस्टिनेशन ते। आजो थानू दिखाने यह वैली, तो बहुत ही सोहना, जिन्ना क मैं हाले तक व्यू देखा बड़ा ही शांत व्यू है, तो मन लग रहा पूरा आके। वन एंड द ओनली वन लोकेशन जो कि मैं मूवचो सिटी के पसंद आई है वह यह है। बाकी आजो थोड़े नाल, मैं भी इस एक्सप्लोर करना है, तो थानू दिखाना इतने की कुछ है घूमन के लिए।
इस पूरे एरिए दे विच 20 किलोमीटर तक के ट्रैक्स ने जिथे तुसी आके रनिंग कर सकते हो, वॉक कर सकते हो, प्लस इनवायरमेंट नेचर का आनंद ले सकते हो। यह जो ट्रैक्स ने यह पूरा साल ओपन रहिंदे ने, सर्दियों के भी उन्होंने बर्फ हटा दी जाती है, सो दैट जो पब्लिक है इत्थे आके वॉक कर सके ते आनंद ले सके नेचर का। प्लस इत्थे पूरा साल हर सीजन के अकॉर्डिंगली एक्टिविटीज़ प्लैन की जाए ने, सो दैट जो कि मूसचौ की रहने वाली पब्लिक है इत्थे आके अपने हॉलीडे इंजॉय कर सके, थोड़ा जा फन कर सके। तुसी अगे देख सकते हो अगे बेंचेस लगे हुए ने ते तुसी इत्थे बैठ के प्रॉपर आनंद ले सकते हो इत्थे दे व्यू दा, नेचर दा। ते तुसी वीडियो दे विच भी चैक कर सकते हो किन्ना सोहना व्यू है। यह मैं सब तो सोहनी लोकेशन लगी मूसचौ दे विच, तुसी अपने दोस्तों के नाल इत्थे आके टाइम स्पेंड कर सकते हो, पिकनिक बना सकते हो, ट्रैकिंग कर सकते हो, बोटिंग कर सकते हो। बहुत ही शांत ते बहुत ही नेचर वाली जगह है जी, यह बड़ी घेंट। जे तुसी भी मूसचौ सिटी दे विच आना चाहते हो तो उस्ताद वीडियो बन रही है, माड़ा सैड होई। जे तुसी भी मूसचौ सिटी दे विच न्यू हो तो इत्थे आने की प्लैनिंग कर रहे हो तो ये थोड़े लिए बेस्ट लोकेशन है, तुसी इत्थे आके अपना एक्सप्लोर कर सकते हो, नेचर देख सकते हो। जे तुसी भी इत्थे अलोनली फील कर रहे हो तो तुसी इत्थे आओ तो इंजॉय करो। उपर आ जाओ, उपर देख के आने। उपर चढ़ता गए हूं, थक गए छेती आ भज के। तेन लोकेशन दसावा, इस पूरी जगह दे विच चार प्लेग्राउंड्स ने जिते तुसी अपने फ्रेंड्स दे नाल आके खेल सकते हो, इंजॉय कर सकते हो। उदे नाल दी नाल इत्थे चार होर एवें दे एरियाज़ ने जिते तुसी अपने प्राइवेट इवेंट्स बुक कर सकते हो, जो कि हर टाइप के सीजन के अकॉर्डिंगली बनाए गए ने इकोसिस्टम्स। प्लस इत्थे 60 साइट कैंप ग्राउंड्स ने, तुसी देख सकते हो 60 साइट है इत्थे जिथे तुसी कैंपिंग कर सकते हो। अपने फ्रेंड्स नाल आओ ते प्रॉपर कैंपिंग बोन फायर करो, बारबीक्यू वगैरह अपना ले आके बना के खा सकते हो। यह जगह है जी बेस्ट, अगर तुम मूसचौ दे विच रहिंदे हो तो अपना टाइम स्पेंड करना चाहते हो, तो अगर थोड़े बच्चे ने तो इत्थे उन्होंने लिए भी प्रॉपर झूले वगैरह ने, तुम इत्थे आ सकते हो अपने बच्चों के नाल, इत्थे इंजॉय कर सकते हो, अपना क्वालिटी टाइम अपनी फैमिली दे नाल स्पेंड कर सकते हो। जिवें मैं हुणी तुहानूं दस्या सी कि इत्थे 60 कैंपिंग साइट्स ने, ते आ देखो किन्ना सोहना बनाया होया है। इत्थे तुसी अपना आओ, बेंचेस लगे हुए ने प्रॉपर, बड़ा ग्रुप इत्थे एक आ के प्रॉपर इंजॉय कर सकदा है हॉलीडेज। जिवें कि लोंग वीकेंड है ते तुसी सामने देख सकते हो गोरे इंजॉय कर रहे ने, प्रॉपर आरवीज़ लगिया हुई ने तकरीबन, ये सब कोल होंदिया ने ते पिक्के होंदे अपने पिक्के दे पिछे उह पा के आरवीज़ नूं ते हॉलीडेज़ मनाउण जांदे ने। ते इत्थे भी काफ़ी दूर दूर तो लोग आउंदे ने इंजॉय करन, क्योंकि ये बहुत ही सोहनी जगह है इत्थे सस्कैचवन दे विच। जे तुसी भी सस्कैचवन दे विच हो तां इत्थे जरूर एक बार विजिट करियो। ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ
ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗੱਲ ਮੈਂ ਹੋਰ ਨੋਟਿਸ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਜੋ ਕਿ ਲੱਕੜ ਤੋਂ ਹੀ ਬਣਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਘਰ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਹੈ, ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਟਰਕਚਰ ਵੀ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਇਹ ਵੀ ਲੱਕੜ ਤੋਂ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਕਿੰਨੀ ਸੋਹਣੀ ਕਾਰਾਗੀਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿੰਨਾ ਸੋਹਣਾ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਦੇਖ ਕੇ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ। ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਪ੍ਰੋਪਰ ਪਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਜੋ ਰਸਤਾ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਲੱਕੜ ਤੋਂ ਹੀ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿੰਨਾ ਵਧੀਆ ਬਣਾਇਆ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਇੱਥੇ ਮੂਸ ਚੋਹ ਦੀ, ਇੱਥੇ ਮੱਛਰ ਬਹੁਤ ਹੈ। ਲਾਈਕ ਤੋਂ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਘੁੰਮ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਮੱਛਰ ਨੇ ਵੱਢ ਕੇ ਖਾ ਲਏ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਫੇਸ 'ਤੇ ਵੀ ਹਲੇ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿੰਨਾ ਮੱਛਰ ਘੁੰਮ ਰਿਹਾ। ਲਾਈਕ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੱਛਰ ਹੈ ਇੱਥੇ, ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੇਖੀ ਮੈਂ। ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੱਖੀ ਮੱਛਰ ਇਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਬਟ ਮੱਛਰ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਕੰਪੈਰੀਟਿਵਲੀ ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੱਛਰ। ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਕੋਈ ਬ੍ਰਾਈਟ ਕੱਪੜੇ ਪਾ ਕੇ ਨਿਕਲਦੇ ਹੋ ਮੂਸ ਚੋਹ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਗਰਮੀਆਂ ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੱਛਰ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੱਢ ਕੇ ਖਾ ਲੈਣਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਪਰ ਮੱਛਰੇ ਮੱਛਰ ਹੋਏਗਾ। ਵੀਡੀਓ ਦਾ ਐਂਡ, ਸਸਕੈਚੁਅਨ ਦੇ ਰਿਲੇਟਡ ਹੋਰ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਦੇ ਲਈ ਮੇਰਾ ਯੂਟਿਊਬ ਚੈਨਲ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਿਓ। ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ।